लोकसभा चुनाव के घोषणा के महज कुछ दिन बचे हैं। महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवार कांग्रेस के तारिक अनवर को बनाए जाने पर महागठबंधन में शामिल किसी पार्टी में कोई संशय नहीं है। वहीं दूसरी ओर एनडीए की तरफ से अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि कटिहार सीट भाजपा को जाएगी या जदयू को। आज हम आपको दिखाते हैं भाजपा से कटिहार सीट के लिए टिकट के उन तमाम दावेदारों को जो कटिहार से भाजपा सीट के लिए प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। ये है आई वेब मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज कटिहार। निखिल कुमार चौधरी, उम्र 71 साल। इनका जन्म मनिहारी के एक छोटे से गांव मेदिनीपुर में हुआ था। 3 बार भाजपा से लगातार सांसद रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री भी रहे। टीएनबी कॉलेज से बीएससी तक की पढ़ाई की है। बिना भाजपा लहर के सीट निकालने में महारथी हैं। मृदुभाषी और लोगों के दिलों में बसते हैं। अशोक अग्रवाल 2009 से लगातार विधान पार्षद व भाजपा के लोकसभा पालक। उम्र 57 साल। एक बड़े व्यवसाय के संचालक, मृदुभाषी और मेहनती। इनकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं है। त्रिस्तरीय पंचायती प्रतिनिधियों पर अच्छी पकड़ है। तारकेश्वर प्रसाद भगत 3 बार से लगातार कटिहार सदर के विधायक और सत्तारूढ़ दल के सचेतक। उम्र 63 साल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। दर्जनों संस्था में आजीवन सदस्य हैं। छात्र जीवन से राजनीति में हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है। सीधे सरफट और साफ अल्फाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं। विनोद कुमार सिंह 3 बार से लगातार प्राणपुर के विधायक और बिहार सरकार में खान व भूतत्व मंत्री। उम्र 49 साल। भाजपा के कई जिम्मेदार पद पर रह चुके हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर है। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। हम अपनी अगली रिपोर्ट में आपको एनडीए के दूसरे घटक दल जनता दल यूनाइटेड के उन तमाम दावेदारों को दिखाएंगे जो कटिहार से लोकसभा सीट की दावेदारी कर रहे हैं। साथ ही हम तमाम दावेदारों की पूरी कहानी आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।